My journey, I am from a small town called Mysore. Mysore mein padwarali naam ka ek gaav se main bhag ke chala gaya ghar chhod ke. My dad was a KSRTC bus driver. So mere bachpan mein mere parents ko vishwas nahi tha ki main hero banunga. Magar mere ko to hamesha aisa pagalpan mein thoda vishwas hai. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर रॉकिंग स्टार यश। ओ भाई, क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप मैं। यश का जन्म 8 जनवरी 1986 यानी 1968 को कर्नाटका के हासन डिस्ट्रिक्ट के भुवानहल्ली टाउन में हुआ था। उनका स्क्रीन नेम यश है। उनका असली नाम है नवीन कुमार गौड़। उनके पिता अरुण कुमार BMTC ट्रांसपोर्ट सर्विस में काम करते थे और उनकी माँ पुष्पा एक हाउसवाइफ थी। यश का बचपन बीता मैसूर में, जहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। यश बचपन से ही पढ़ाई में एवरेज थे। उनका दिमाग तो एक्टिंग की तरफ था, लेकिन उनके फादर नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग करें। इसी बीच वो एक दिन घर से निकल भागे। कुछ सालों तक उन्होंने स्ट्रगल किया, फिर उन्हें पहला ब्रेक मिला टीवी सीरियल नंदा गोकुला से। ये सीरियल आता था ETV कन्नड़ा पे। इसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम किया। 2007 में एक फिल्म आई थी, जम्बाड़ा हुडुगी। इस फिल्म में यश ने एक छोटा सा रोल प्ले किया था। फिल्म की डायरेक्टर थी प्रिया हसन। उनकी दूसरी फिल्म आई 2008 में। उस फिल्म का नाम था मोगिना मानसु, जिसके डायरेक्टर थे शशांक। इस फिल्म में यश ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया था और उसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। 2008 में आई फिल्म रॉकी में यश ने पहली बार लीड रोल प्ले किया था। 2010 में एक फिल्म आई थी मॉडल सला। ये यश की पहली सोलो कमर्शियल हिट फिल्म थी। उसके बाद भी बहुत सारी फिल्में आई, जैसे राजधानी, लक्की, जानू। इन सब फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक बिजनेस किया। साल 2012 में एक फिल्म आई ड्रामा, जिसके डायरेक्टर थे योगराज भट्ट। इस फिल्म के लिए यश को बेस्ट एक्टर कन्नड़ा का अवार्ड भी मिला था। फिर 2013 में फिल्म गुगली और 2014 में गज केसरी ने भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक बिजनेस किया। 25 दिसंबर 2014 को यश की एक फिल्म रिलीज हुई, मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी। इस फिल्म में उनके साथ थी राधिका पंडित, जिन्होंने इससे पहले यश के साथ नंद गोकुला सीरियल में काम किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया और यश को रातों रात ही सैंडलवुड का हाईएस्ट पेड एक्टर बना दिया। फिर उसके बाद फिल्म आई मास्टरपीस और उसके बाद 2016 में फिल्म आई संतु स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया। अब उनकी अगली फिल्म आ रही है KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स। ये फिल्म रिलीज हो रही है हिंदी में 21 दिसंबर 2018 को फिल्म जीरो के साथ। और ये भी कहा जाता है कि ये फिल्म सैंडलवुड की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है, जिसका बजट है 80 करोड़ रुपए। साल 2016 में आई फिल्म मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी में यश और राधिका ने साथ काम किया था। फिल्म खत्म होते होते उनके बीच प्यार परवान चढ़ चुका था। इससे पहले कि मीडिया वाले अपनी दुकान लगाते, अगस्त 2016 में यश और राधिका ने सगाई कर ली गोवा में। फिर उसी साल 9 दिसंबर 2016 को यश ने राधिका से बेंगलोर में शादी कर ली। शादी के बाद यश ने अपना रिसेप्शन रखा बेंगलोर पैलेस में, जहां उन्होंने पूरे कर्नाटका के लोगों को इनवाइट किया था। दिल देख रहे हो भाई साहब का, ऐसे ही रॉकिंग स्टार नहीं कहलाते। और इसी साल अगस्त 2018 में यश और राधिका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, YGF, यश गोइंग टू बी अ फादर। तो ये दिसंबर वो 2 से 3 हो जाएंगे और उनकी फिल्म रिलीज हो रही है KGF। तो आने वाले बच्चे और आने वाली फिल्म के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।